सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आजकल डेटा लीक्स की समस्या बड़ी आम होती जा रही है। आए दिन कभी व्हाट्सएप पे डेटा लीक, कभी फेसबुक का डेटा लीक होता जा रहा है। इसी समस्या को देखते हुए एप्पल ने अपना एक नया सिक्योरिटी पैच आज रोल आउट कर दिया है, जिसकी वजह से यूजर्स अपने ईमेल आईडी तक को हाइड कर सकते हैं। यहां तक बता दूं कि इस सिक्योरिटी पैच की वजह से आप लोकेशन की परमिशन एप्पल आईडी का अदर वेबसाइट्स में यूज और बैकग्राउंड का लोकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपका बैकग्राउंड में लोकेशंस को यूज कर रहे हो, आप उन तक को हाइड कर सकते हैं। जल्दी जल्दी ये आप जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करके आप डाउनलोड कर सकती है। आज ही रोल आउट किया गया, अब मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो भी आ रही है हमारे पास नोकिया की तरफ से। जी हाँ, आजकल जितने भी सारे स्मार्टफोन ब्रांड हैं, जैसे कि शाओमी है, मोटोरोला है, लेनोवो है या वन प्लस है, सारे लोग टीवी अपना टीवी सेगमेंट लेके आ रहे, लेकिन अब ये खबर आई कि नोकिया भी जल्द से जल्द इंडियन मार्केट में अपना नया स्मार्ट टीवी पेश कर सकता है। जी हाँ, नोकिया ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी करके अपना एक स्मार्ट टीवी लॉन्च करने जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि साउंड क्वालिटी के लिए इस स्मार्ट टीवी में साउंड्स का यूज किया जाएगा। अब देखना यह है कि इंडियन मार्केट में कैसा क्या होता है, लेकिन अभी इसके लॉन्च की हमें कोई अपडेट नहीं मिली। इतना जरूर कहा जाता है क्योंकि फ्लिपकार्ट ने कहा कि जो मार्केट में जो स्मार्ट टीवी चल रही है, उनसे ज्यादा बेटर होगा और एक ब्रांडेड टीवी होगा। इसमें आपको JBL का साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा मेन एक रीजन पड़ता है इसकी प्राइस। अब देखो, किस प्राइस में लॉन्च होगा और कब लॉन्च होगा, इसकी अभी तक कोई कंपनी की तरफ से हमें आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। अब देखना होगा ये क्या इंडियन मार्केट में क्या नया गुल खिलाएगा और क्या क्या नए फीचर्स के साथ इंडिया में नोकिया अपना नया स्मार्ट टीवी लॉन्च करेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है हमारे पास शाओमी के पास। जी हाँ, शाओमी ने अपना एक नया एयर प्यूरीफायर आज इंडिया में लॉन्च कर दिया गया, और ये जो पहला प्यूरीफायर मी प्यूरीफायर थी, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। शाओमी ये क्लेम करता है कि यह जो नया प्यूरीफायर है, ये 1 मिनट में 6,333 लीटर हवा को एक बार में शुद्ध कर सकता है। मी एयर प्यूरीफायर 3 की प्राइस रखी है 9,999, और यह नया प्यूरीफायर कल से अमेजन और मी स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि इस मी एयर प्यूरीफायर में 3 फिल्टर मौजूद है, जिसमें पहला फिल्टर है प्राइमरी फिल्टर, दूसरा है हेपा फिल्टर और तीसरा है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। इन 3 फिल्टर की मदद से एयर प्यूरीफायर की कैपेसिटी काफी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, मी एयर प्यूरीफायर 3 में CADR का फीचर दिया गया, यानी कि क्लीन एयर डिलीवरी सिस्टम। यानी इसके जरिए करीब करीब 484 स्क्वायर फीट में 1 मिनट में 6,333 लीटर हवा को एक बार में शुद्ध कर सकता है। इसमें OLED का टच स्क्रीन पैनल भी दिया गया है, और इसकी क्वालिटी में आपको इसमें आपको टच स्क्रीन का एक OLED पैनल दिया गया, जिसमें आपको एयर प्यूरीफायर की जो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, ये कल से Amazon.in और Plusme.com पे ऑनलाइन अवेलेबल होगा सेल के लिए, जिसकी कीमत है 9,999 रुपए, और यह एक मी एयर प्यूरीफायर 2S का एक अपग्रेडेड वर्जन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है हमारे पास पबजी की तरफ से। जी हाँ, पबजी एक अपने मोबाइल यूजरों के लिए एक नया अपडेट जारी करने जा रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे अपग्रेडेड फीचर्स देखने को मिलेगी, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। और यह अपडेट जल्द से जल्द दोनों यूजर्स, यानी iOS एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। कुछ ही समय पबजी ने मोबाइल्स के लिए एक नया अपडेट दिया था, लेकिन अब एक नया अपडेट और देने जा रही, जिसमें यूजर्स को मिलेगा कुछ बदलाव होगा, जैसे कि आपको डेथ मैच मोड के लिए दर्यून्स नाम का एक मैप्स पेश किया, जो कि मौजूदा वेयर हाउस जो करंट में वेयर हाउस का जो मैप चल रहा है उससे काफी ज्यादा बड़ा होगा। और साथ के साथ इसमें नए अपडेट में MP5K का एक नया अपडेट दिया, जो एक सब मशीन है या एक नया हथियार। जो इस नए अपडेट में आपको गन्स है, थीम्स है और मैप्स वगैरह में कुछ ज्यादा ही अपडेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, जल्दी जल्दी अपडेट्स दोनों डिवाइस यानी iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि आती है वीवो की तरफ से। जी हाँ, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था, वीवो एक अपना नया स्मार्टफोन 14 तारीख को चाइना में लॉन्च करने जा रही। आज उसकी एक कीमत निकलकर सामने आई है,
तो कहा यह जा रहा है कि इस नए स्मार्टफोन को वीवो करीब 20,500 यानी करीब करीब 2,000 चीनी युआन में लॉन्च कर सकती है। और इसके फीचर्स भी हमें कुछ निकल कर सामने आए हैं, मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या मिलेगा हमें। इस फोन में हमें 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि आएगा एक सुपर अमोले जो कि आएगा ओएलईडी पैनल के। इस फोन में हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर देखने को मिला। पीछे की तरफ क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी कैम सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें बोकेट सेंसर मिलेगा यानी पोर्ट्रेट सेंसर मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको माइक्रो सेंसर मिलेगा। सेल्फी के लिए इस फोन में हमें 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है। अब ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इसमें क्या फीचर्स यही होंगे या कुछ और अपग्रेड होगा, लेकिन जो हमारे पास लीक्स निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग हमें यही सारे फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके इंडिया लॉन्च की अभी तक हम कंपनी की तरफ से कोई डेट सामने नहीं आई है। अगर ये इंडिया में लॉन्च होगा तो दिसंबर से पहले इंडिया में ये नहीं लॉन्च होगा, तो यानी यही खबर हमें समझ में आ रही है कि यह फ़ोन दिसंबर में इंडिया में आ सकता है। अब ये देखना होगा इंडिया में किस प्राइस के साथ आएगा और कब आएगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है हमारे पास व्हाट्सएप की तरफ से। जी हाँ, व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट जारी किया है जिसमें आपको इमोजी के कलर्स बदले हुए नजर आएंगे और कुछ नए फीचर्स में ऐड किए, जैसे कुछ नई इमोजीज वगैरह ऐड करिए। मैं आपको बता दूं यह केवल अभी बीटा में अवेलेबल है, लेकिन इस अपडेट में डार्क मोड और व्हाट्सएप पे को अभी मतलब नहीं ऐड किया गया है। तो अगर फ्यूचर में अगर व्हाट्सएप का सबसे पहला अपडेट आएगा इमोजी के लिए, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो मार्क जुगर बन गया, अभी लास्ट मंथ ही कहा था कि अभी यह जो प्रोग्राम है व्हाट्सएप पे वाला वो इंडिया में टेस्ट किया जा रहा है, जल्द से जल्द इसका अपडेट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कब देखने को मिलेगा यह अभी व्हाट्सएप की तरफ से कोई कन्फर्मेशन हमें नहीं मिली है। अब यह देखना होगा कि यह अपडेट हमें कब देखने को मिलता है इंडिया में और क्या नया होगा इस नए अपडेट से व्हाट्सएप की तरफ। बढ़ते हैं अपने लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है एलेक्सा की तरफ से। जी हाँ, आजकल स्मार्ट डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ नया असर करके जा रहे, लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है कि जो एलेक्सा डिवाइसेस है इन्हें आसानी से हैक किया जा सकता है। मैं आपको बता दूँ यह रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के द्वारा की गई है। इस रिसर्च के नाम से एक लेजर बेस्ड ऑडियो इंजेक्शन अटैक्स ऑन वॉइस कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी मदद से रिसर्चर ने यह भी कहा कि आईफोन में श्री एलेक्सा, फेसबुक पोर्टल और दूसरे गूगल होम डिवाइसेस को आसानी से हैक किया जा सकता है, यानी इन्हें दूर से बैठ के कमांड्स दिए जा सकते हैं। अब आपको बता दूं ये काम कैसे करेगा, तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई डिवाइस रखा है, तो अगर आपका डिवाइस इस बिल्डिंग में रखा है, अगर हैकर पिछली दूसरी बिल्डिंग में बैठा, तो यह विंडो के पास अगर कोई स्मार्ट डिवाइस रखी है, तो जो लाइट बीम होती है, लाइट बीम के अटैक से ग्लास के आर पार कमांड दी जा सकती है, तो माइक्रोफोन के एक कमी के द्वारा किया जा सकता है। तो सिक्योर तो कुछ भी नहीं है, अगर हैकर्स ये भी अटैक मतलब हैक कर सकते हैं, तो पता नहीं देखो फ्यूचर में क्या क्या अटैक हो सकता है। तो बस फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स करके मुझे अपना सुझाव जरूर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं ऐसे ही आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूं। मिलता हूं आपसे मैं अपने अगले और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।